अगर आप बिना ओवन पिज़्ज़ा बनाते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 मिनट गैस पे बेक करना होता है, जिससे गैस बहुत वेस्ट होता है। बट मैं आज आपको ऐसी ट्रिक दूंगी कि आप सिर्फ 12 मिनट में बेक कर पाएंगे बिना ओवन, बिना ईस्ट, वो भी परफेक्ट क्रस्ट के साथ। हर स्टेप पे ट्रिक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। वेलकम टू माई चैनल फूड डेस्टिनेशन बाय मनीषा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले स्टेप में हम आटा तैयार करेंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखें। सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कप मैदा लेंगे, फिर इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 3 टेबलस्पून तेल और 4 टेबलस्पून दही डालेंगे। इसे अच्छे से कंबाइन करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेंगे। इस तरह आटा तैयार करने से पिज़्ज़ा का बेस एकदम परफेक्ट बनेगा, इसलिए मेजरमेंट का ध्यान अच्छे से रखें। आटा गूंथ लिया है, अब इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। 20 मिनट बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे और पिज़्ज़ा का आटा एकदम तैयार है। दूसरे स्टेप में हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। सूखे आटे से सरफेस को सबसे पहले डस्ट करेंगे, फिर एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का और इसे बॉल का शेप देंगे। अब इसे एक मोटी रोटी की जैसे बेल लेंगे। तो ध्यान रहे इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर के लगभग हो, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब इसे बीच में हाथों की मदद से स्प्रेड करेंगे और किनारे से ऊपर उठाएंगे। इस तरह करने से इसका लुक बिल्कुल बाहर के पिज़्ज़ा जैसा आएगा। अब इसमें फोक की हेल्प से बीच में होल करेंगे, जिससे कि ये बेक करते वक्त फूले ना रोटी की तरह। अब एक नॉर्मल पैन को लो फ्लेम पे गरम करेंगे। ध्यान रहे पूरे प्रोसेस में हमें फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। पिज़्ज़ा बेस को अब हम 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे बेक करेंगे एक साइड से, और फिर इसे पलट करके दूसरे साइड से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लो फ्लेम पर होना चाहिए। मैं आपको इसे पलट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बेस बना हुआ है। आप इसी तरह से और भी बेस बना करके एक ही बार में तैयार कर सकते हैं और उसे फिर जब चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी पैन में एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर प्री हीट होने के लिए रख देंगे। पैन पहले से ही गर्म है, इसलिए प्री हीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। पिज़्ज़ा बेस एकदम तैयार है। अब इस पर टॉपिंग्स अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम टोमेटो सॉस या पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इस पे सब्जियों को असेंबल करेंगे, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। ज़रूरी नहीं कि आप ये सभी सब्जियों का इस्तेमाल करें, आपके पास जो हो या जो आपको पसंद हो उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है। हमेशा नई रेसिपीज़ पाने के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस पे मोज़रेला चीज़ डालेंगे और ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब पिज़्ज़ा बेक करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यहीं पे आपको हमारी मेन ट्रिक मिलेगी। तो अब चलते हैं फाइनल स्टेप पे, जहां हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और पैन गर्म हो चुका है। ट्रिक ये है कि हम पिज़्ज़ा बेस को डायरेक्टली स्टैंड पे रखेंगे, हम कोई प्लेट यूज़ नहीं करेंगे। इससे पिज़्ज़ा हर तरफ से अच्छे से और बहुत जल्दी पक जाएगा और हमें इसका क्रस्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा। अगर आप स्टीमर वाला प्लेट या नॉर्मल प्लेट यूज़ करेंगे तो आपको तकरीबन 30 मिनट लगेगा बेक करने में, और इस तरह डायरेक्टली स्टैंड पे रखने से सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो इसे ढककर एकदम लो फ्लेम पे 12 मिनट बेक करेंगे हम। हमने पिज़्ज़ा बेस को पहले ही दोनों साइड से सेक दिया था, जिससे हम इसे स्टैंड पे डायरेक्टली रख पाए। इस तरह बनाने से आप बहुत सारा गैस सेव कर सकते हैं। 12 मिनट हो गए हैं और पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। यहाँ पर एक नोट है, आप जब भी कभी बिना ओवन के कोई भी चीज़ बेक करते हैं तो उसे नॉनस्टिक पे ना बनाएं या ना बेक करें, नहीं तो इससे नॉनस्टिक बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल बाहर जैसा। बिना ओवन के ही हमने इसे ओवन का इफ़ेक्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और उसका क्रस्ट एकदम परफेक्टली बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।